नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे संतरे के विषय में। आजकल सर्दियों का मौसम है, संतरा खूब बहुतायत में मिल रहा है और मौसम का जो भी फल बहुतायत में मिलता है उसको हमें खूब अच्छे तरह से खाना चाहिए, भरपूर खाना चाहिए और उसका हमें पूरा फ़ायदा भी मिलता है। संतरा एक रसदार खट्टा मीठा फल होता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको संतरा खाना पसंद ना हो। संतरा खाना सभी पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग घबराते ज़रूर हैं कि संतरा खाने से ठंडा हो जाए या संतरा खाने से सर्दी ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए, सिर दर्द ना हो जाए या कफ ना बढ़ जाए या गला चोक ना हो जाए। तो इस तरह से कुछ लोग इसके बारे में सोचते हैं। तो आज मैं आपसे इसी विषय में बात करूँगी कि संतरे को हम किस तरह से खाएँ जो हमें इसका भरपूर लाभ मिल सके। तो आगे की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि संतरे को नॉर्मल रूटीन में हम रोज़ाना में कैसे खाएं। तो संतरे को हमें जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के पश्चात एक संतरा या दो संतरे, जो भी आपको पसंद है, तो एक या दो संतरा हमें भोजन के बाद खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और जो विटामिन सी होता है तो हमारे भोजन में जो आयरन होता है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, शरीर के अंदर उसको एब्जॉर्ब करता है। इसलिए खाना खाने के बाद और भी हम कोई ऐसा खट्टा फल हो तो उसको खा सकते हैं। भाव प्रकाश निघंटू में भी संतरे को डॉक्टर कहा गया है। संतरा एक ऐसा फल है जो खून को बढ़ाता है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे फल हैं जो खून को बढ़ाते हैं, जिनको खाने से खून बढ़ता है, लेकिन संतरा उसमें सर्वोपरि है, मुख्य है। इसलिए हमें संतरे का सेवन जरूर करना चाहिए और संतरे में बहुत से औषधीय गुण होते हैं और इसलिए संतरा बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। बस सिर्फ हमें खाने का तरीका आना चाहिए। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों में हम संतरे को किस तरह से खाएँ जो हमें उसका भरपूर लाभ मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खराब लीवर को संतरे के प्रयोग से कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर लीवर खराब है तो हमें उसमें संतरे का प्रयोग कैसे करना चाहिए जो वो खराब लीवर को ठीक कर सके, क्योंकि जब लीवर खराब होता है तो खून बनना बंद हो जाता है, भूख नहीं लगती, भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता और लीवर खून बनाने का काम ठीक से नहीं कर पाता। तो लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए संतरे का 50 ग्राम रस निकालें और उसमें 2 बड़ी चम्मच शहद के मिलाएं, अच्छी तरह से मिलाएं और जब अच्छी तरह से मिला लें तो एक एक चम्मच करके उसको छोटे छोटे सिप लेकर के हमें उसको पीना है। तो जब हम छोटे छोटे सिप लेकर के पीते हैं, उसके पीने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, लीवर को उसको पचाना नहीं पड़ता और वो सीधा खून में जा कर के मिलता है। इस तरह से अगर हम संतरे को खाते हैं तो हमारा लीवर कुछ ही दिनों में स्ट्रॉन्ग हो जाता है और लीवर में जो भी प्रॉब्लम होती है तो लीवर डिटॉक्स हो जाता है, लीवर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और लीवर का फंक्शन बढ़ जाता है और उसकी कार्य क्षमता बढ़ने लगती है। और आप खुद इस चीज़ को फील करेंगे। अगर आपको कुछ इस तरह की दिक्कत हो तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करके देखें। और जब आप संतरा और शहद मिक्स करके धीरे धीरे, जैसे मैंने अभी बताया, सिप सिप करके पीना है, पी लें, तो उसके ऊपर आपको 1 कप गर्म पानी सिप सिप करके ही धीरे धीरे पीना है। संतरा एंटीऑक्सीडेंट होता है और ब्लड में बढ़े हुए इन्फेक्शन को दूर करता है और संतरे के अंदर विटामिन, मिनरल्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज खूब अच्छी मात्रा में होते हैं, जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है। शहद और संतरे का जूस दिन में 3 बार पीने से लीवर तो ठीक होता ही है, लीवर के साथ साथ हमारी किडनी, लंग्स और पैनक्रियाज, इन तीनों का फंक्शन भी बढ़ जाता है, इन तीनों की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। अब बात करते हैं कि हृदय रोगियों को संतरे का जूस कैसे पीना चाहिए। तो हृदय रोगियों को संतरे का जूस नाश्ता करने से 1 घंटा पहले पीना चाहिए और करीब 100 ग्राम संतरे का जूस उनको पीना चाहिए और 100 ग्राम संतरे के रस को सिप सिप करके पीना चाहिए, धीरे धीरे पीना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर 1 कप गर्म पानी घूंट घूंट करके पीना चाहिए। इसी तरह से जब शाम का टाइम हो, 4 बजे का समय हो, सूरज छिपने से 1 से 1.5 घंटे पहले 100 ग्राम रस
एक एक घूंट करके धीरे धीरे पीना चाहिए और उसके ऊपर से एक कप गर्म पानी पीना चाहिए। इस तरह से सुबह और शाम हृदय रोगी जब इस जूस को पीते हैं तो उनकी ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं, क्योंकि संतरे में पोटेशियम मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है लेकिन सोडियम नहीं होता, जिसके कारण से खून में गाढ़ापन कम होने लगता है और खून पतला होने लगता है, ब्लड वेसल्स खुलने लग जाती हैं और हाई बीपी और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि जिनको पैरालिसिस पड़ जाता है, आधे अंग में फालिस पड़ जाता है, तो उनको संतरे का जूस कैसे पीना चाहिए, और उनके लिए संतरे का जूस बहुत लाभदायक होता है, लेकिन उन्हें संतरे के जूस में अंगूर का रस मिलाकर पीना चाहिए। तो 50 ग्राम संतरे का जूस लेंगे और 50 ग्राम अंगूर का रस लेंगे और उसको छोटे छोटे घूंट करके सिप सिप करके धीरे धीरे पीना है, और जब वो धीरे धीरे ख़त्म कर लें और उसके बाद एक कप गर्म पानी सिप सिप करके पीना है। तो 50 ग्राम जो हम संतरे का जूस लेंगे और 50 ग्राम अंगूर का रस लेंगे, ये दोनों ही कुल मिला करके एक कप हो जाते हैं। संतरा चूँकि एंटीऑक्सीडेंट होता है और संतरे में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, इसी तरह से अंगूर भी एंटीऑक्सीडेंट होता है और उसमें भी पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, दोनों ही ब्लॉक नसों को खोलने का काम करते हैं। इसलिए जिनको फालिस पड़ जाता है उनके लिए इस तरह से संतरे का जूस पीना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, तो हमें इस तरह से संतरे का जूस पीना चाहिए। अब हम बात करेंगे एनीमिया रोग के विषय में कि जो व्यक्ति एनीमिक होते हैं उनको संतरे का जूस कैसे लेना चाहिए। जो व्यक्ति एनीमिक होते हैं उनमें खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, और संतरा चूँकि हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, तो हमें संतरे के साथ सेब का जूस पीना है। तो हमें 50 ग्राम संतरे का रस लेना है और 50 ग्राम सेब का रस लेना है, दोनों को मिलाएंगे तो एक कप हो जाएगा, आधा कप संतरे का रस और आधा कप सेब का रस, इन दोनों को मिला करके हमें सिप सिप करके पीना है। इस तरह से इस जूस को हमें दिन में 3 बार पीना है, सुबह दोपहर शाम, और जब हम इसको तीनों समय पीते हैं तो बहुत जल्दी खून बनना शुरू हो जाता है और कमजोरी दूर होने लगती है, आलस खत्म हो जाता है, कमजोरी की वजह से चक्कर आते हैं वो चक्कर आने भी बंद हो जाते हैं और शरीर में ताजगी आने लगती है। और जितने भी यूज़ मैंने आपको संतरे के बताए हैं वो 100% कारगर हैं, ज़रूरत पड़ने पर आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।